हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो फ्लोर प्लान हब चैनल। आज मैं यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ एक 27 फिट बाय 23 फिट 3 इंच का हाउस प्लान। सो यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बताया 27 फिट और बाय 23 फिट 3 इंच, ये हमारा बिल्टअप एरिया है। अगर मैं कंप्लीट साइट की बात करूँ तो यहाँ पे कंप्लीट साइट एरिया हमने 37 फिट बाय 33 फिट लेके चलना है। लेकिन आप इसको मल्टीपल एरिया साइड में आप बना सकते हो, यानी कि जो आपका मेन बिल्टअप एरिया है वो हमारा 27 फिट बाय 23 फिट 3 इंच है। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं इसके अंदर प्लान के बारे में, डिस्कस करते हैं यहाँ पे हमने किस तरह से क्या क्या प्रोवाइड किया है। सो जैसे ही यहाँ पे आप अपना घर का फ्रंट का एलिवेशन यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, साइड में यहाँ पे इसका टॉप व्यू आपको भी दिखता रहेगा कि आप कहाँ पे करेंटली अपने घर के अंदर हो। तो जैसे ही यहाँ मैं घर के अंदर यहाँ पे चलूंगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको सिट आउट एरिया मिल जाएगा। सिट आउट एरिया से जैसे यहाँ पे आपका मेन एंट्रेंस डोर इस तरह से अवेलेबल है। फिर जैसे मेरे एंट्रेंस से यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे आपको अपना हॉल का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपने सोफा वगैरह और साथ ही में टेबल वगैरह इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, यानी कि जो भी अगर गेस्ट आएंगे तो वो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। इसी साइड में आप यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ और यहाँ पे दिखाऊँ, तो आपके यहाँ पे इस तरह से डाइनिंग टेबल रहेगी, यानी कि अगर कोई भी घर के मेंबर्स यहाँ पे खाना खाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक साथ बैठ के खा सकते हैं। फिर हैंड वॉश वगैरह के लिए आप सामने जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे इस तरह से एक सिंक प्रोवाइड किया, साथ ही में मिरर वगैरह है। फिर अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट की तरफ देखूँ तो ये आपका किचन एरिया है। जैसे मैं किचन में एंटर आऊंगा तो देखेंगे यहाँ पे आपके पास फ्रंट में दो विंडो दे रखी हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ शेल्फ एक तरीके से प्लेस कर दिया है। आप इस साइड में यहाँ पे अपना कुकटॉप प्लेस कर सकते हो, फिर इधर आप सिंक वगैरह भी प्लेस कर सकते हो। तो साइड में एल शेप में हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से शेल्फ प्रोवाइड की है। साथ ही में अगर आपको फ्रिज रखना है तो फ्रिज भी आप यहाँ पे एक साइड में इस तरह से कॉर्नर में रख सकते हो। निकलते हैं बाहर की तरफ, वापस आ जाएंगे हम यहाँ पे हॉल पे। सो हॉल से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पे 3 डोर्स हैं। तो एक मेन डोर, ये वाला जो डोर आप देख सकते हो, ये आपका वॉशरूम में लीड करेगा, बाकी ये दोनों डोर आपके यहाँ पे बेडरूम्स हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अंदर चलता हूँ तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम में एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बेडरूम नंबर 1 पे। सो यहाँ पे इस तरह से बेड है, यहाँ पे फ्रंट में आप टेलीविजन वगैरह लगा सकते हो। वेंटिलेशन के लिए हमने यहाँ पे एक विंडो इस तरह से प्रोवाइड की है, बाकी फिर कॉर्नर्स वगैरह में आप यहाँ पे अलमारी वगैरह भी प्लेस करा सकते हो। तो ये था आपका यहाँ पे बेडरूम नंबर 1। वापस चलते हैं हम यहाँ पे इस बेडरूम से बाहर। सो हमने यहाँ पे एक इस तरह से एक कॉमन वॉशरूम प्रोवाइड किया है। ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम है। यहाँ पे आपकी सीट, वेंटिलेशन के लिए विंडो, शावर वगैरह के लिए हमने यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर सकते हैं, टैप वगैरह भी लगा सकते हैं यहाँ पे। वापस बाहर चलते हैं। फिर ये हमारा है बेडरूम नंबर 2। इस तरह से आप जैसे देख सकते हो, जैसे हम यहाँ पे अंदर आ जाते हैं, फिर ये बेडरूम नंबर 2, यहाँ पे बेड का प्लेसमेंट, इसमें हमने यहाँ पे 2 विंडोज प्रोवाइड की। आप चाहो तो यहाँ पे एक विंडो भी प्रोवाइड कर सकते हो। साथ ही हमने यहाँ पे एक स्टडी टेबल भी इस तरह से यहाँ पे प्लेस करा दी है। सो ये था यहाँ पे इसका थोड़ा सा इंटीरियर का डिटेल के बारे में। वापस हम चलते हैं घर के बाहर, बात करते हैं यहाँ पे हम स्टेयर्स की। तो स्टेयर्स जो हमने प्रोवाइड की है वो घर से बाहर से प्रोवाइड की है। तो ये आ गए हम घर के बाहर। ये हमारा साइट का जो भी हमारा हम बताए थे कि आपका जो भी एरिया लेफ्ट अप एरिया रहेगा वेंटिलेशन के लिए कुछ इस तरह से, तो ये आप यहाँ पे साइड से हमने स्टेयर्स प्रोवाइड की हैं। फिर जैसे हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ेंगे कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, और यहाँ पे डॉग लेग स्टेयर्स हैं, यही हम आगे अपने टेरेस पे। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने टेरेस पे भी आ सकते हो। फिर वापस आपको नीचे जाना है तो आप यहीं से सेम नीचे इस तरह से जा सकते हो। तो ये था यहाँ पे इसका इंटीरियर और थोड़ा सा व्यू के बारे में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके 3D व्यूज और जो भी एक्सटीरियर डिजाइन्स हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं उन सब के बारे में। साथ ही में अगर इसका प्लान आप देखना चाहते हो तो आपके सामने यहाँ पे ये प्लान है कुछ इस तरह से देख सकते हो। तो फ्रंट में यहाँ पे आपका वही सेम सिट बैक सॉरी सिट आउट एरिया, फिर यहाँ पे आप एंटर करोगे तो आपका हॉल एरिया, फिर यहाँ से लेफ्ट आपका किचन, और ये आपका यहाँ पे कॉमन वॉशरूम, एक बेडरूम एंड यहाँ पे आपका ये सेकेंड बेडरूम। तो ये था आपका 27 बाय 23 फिट 3 इंच का यहाँ पे छोटा सा एक आपका घर। अब बात करते हैं यहाँ पे 3D व्यूज और यहाँ पे वॉक थ्रू के बारे में।
3D व्यूज। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इस हाउस डिजाइन की कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल्स को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो उसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। सो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आगे और ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।